भारत पाकिस्तान सरहद उते बीएसएफ वालों एक होर पाकिस्तानी साजिश नू नकाम करन विच सफलता हासिल हुई है। दो थावां ते कल बीएसएफ वालों ड्रोन बरामद किए गए ने। पहला अमृतसर दे चाहरपुर विच देर रात फायरिंग करके बीएसएफ वालों एक ड्रोन नू डेगया गया, जिस विच एक शकी पॉलीथिन भी बरामद किया गया, जिसकी जांच की जा रही है। तो दूजे पास तरन तारण तो एक ड्रोन बरामद किया बीएसएफ ने, जिस विच 7.5 किलो हैरोइन भी बरामद की गई है। फाजिलका च भारत पाकिस्तान सरहद नेड़े पुलिस ने छापा मार ड्रोन जरिए पाकिस्तान तो आई करोड़ा दी हेरोइन बरामद की है। दो लोगों नु गिरफ्तार किया गया। फाजिलका पुलिस मुताबिक फड़े गए मुलजमन तो 2 किलो 105 ग्राम हेरोइन बरामद हुई है, जो पिंड नूरशाह के खेतर च ड्रोन के जरिए मंगवाई गई सी। पुलिस हुने खंगालन की कोशिश कर रही है कि मुलजमान वालों हेरोइन की खेप किथे भिजवाई जानी सी। 2 किलो 105 ग्राम हेरोइन बरामद करने विच कामयाबी हासिल की है। तो 2 बंदे अरेस्ट किए हैं, उन्होंने 2 किलो 105 ग्राम हेरोइन अते नाल एक मोटरसाइकिल हीरो डीलक्स PB04W8226 ओ भी नाल बरामद किया। तरन तारण के थाना खेमकरन की पुलिस नू भारत पाकिस्तान बॉर्डर तो जुड़े खेतों च ड्रोन मिले। ड्रोन के कोल 7.5 किलो वजन का एक पैकेट भी बरामद किया गया। ड्रोन से पैकेट कब्जे च लिया है, आस पास के इलाके की जांच की जा रही है। इनफॉर्मेशन आई सी उस तो बाद पंजाब पुलिस ने बीएसएफ ने जॉइंट एक सर्च ऑपरेशन किया सारे एरिए स्पेसिफिक जो असी सारा एरिया सर्च किया एक पॉइंट का पता लग्या कि इतने कोई ड्रोन की ड्रोन डिग्या है। सो असी जाके उतो जाके चैक किया तो एक हैक्साकॉप्टर है ये जिहड़ा कि इस तरह लगता है कि अक्रॉस द बॉर्डर ये आया। सो ड्रोन रिकवर होया, प्लस ये एक पैकेट सीगा कॉन्ट्राबैंड का, वो भी असी रिकवर किया। ऑलमोस्ट 7 किलो का जो टोटल पैकेट हैगा विच हेरोइन हैगी इहदे विच। सो ये सारिया चीज़ा जिहड़ियां हैगियां रिकवर हुई। भारत पाकिस्तान बॉर्डर से बीएसएफ ने एक होर साजिश नू नाकाम करन च सफलता हासिल की है। अमृतसर के चाहरपुर च बीएसएफ नू ड्रोन बरामद होया। सोमवार देर रात बॉर्डर से तैनात बीएसएफ के जवानों ने पाकिस्तान तो भारत के बॉर्डर च एक ड्रोन दाखिल हुंदा देखा, जिस तो बाद बीएसएफ ने इस पर फायरिंग की, उस नू ढेर कर दिता। उस तो बाद तलाशी के दौरान खेतों च ड्रोन नू बरामद किया गया। ड्रोन के नाल एक चिट्टे रंग का शक्की पॉलीथीन भी मिलया, जिसकी जांच की जा रही है। फिलहाल पूरे इलाके की घेराबंदी की गई है। पुलिस ते होर संबंधित एजेंसियां नूं सूचित किया गया। अमृतसर पुलिस नूं वड्डी कामयाबी मिली है। हथियारां सने एक नूं काबू किया गया, जबकि एक मौके तो फरार हो गया। मुलजमां दे कोलों 2 पिस्तौल 2 मैगजीन ते 10 राउंड बरामद किए गए ने। पुलिस वालों नाकेबंदी की गई सी, जिस दौरान कपतगढ़ मौड़ बाईपास के नेड़े मोटरसाइकिल सवार नूं रोकिया गया ते जगप्रीत सिंह नूं गिरफ्तार कर लिया गया, जबकि अर्शदीप सिंह दा मुलजम मौके तो फरार होने च कामयाब रहा। दो जिहड़े व्यक्ति सीगे और उन्हां चों एक व्यक्ति नूं असीं पकड़ लिया। दो व्यक्ति नामजद होए ने, एक दा नाम जगप्रीत सिंह है, दूसरे दा अर्शदीप। नाल 2 मैगजीन ने, 10 जिंदा कारतूस, 30 बोर दे वैपन ने। और इस मेन जिहड़ी गल है, ये वैपन बहुत ही सोफिस्टिकेटेड और सलवाकिया जिहड़ा एक विदेशी जिहड़ा हैगा है, उत्थों दे बने हुए ने। ਐਤਵਾਰ ਗੈਂਗਸਟਰ ਗੱਠਜੋੜ ਜਾਂਚ ਦੇ ਲਈ NIA ਐਕਸ਼ਨ 'ਚ ਹੈ। ਦੇਸ਼ 'ਚ 5 ਸੂਬਿਆਂ 'ਚ NIA ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਰੇਡ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਹਰਿਆਣਾ, ਦਿੱਲੀ, ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਰਾਜਸਥਾਨ 'ਚ NIA ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਗੈਂਗਸਟਰ ਲਾਰੈਂਸ ਬਿਸ਼ਨੋਈ ਦੇ ਸਾਥੀਆਂ ਦੇ ਟਿਕਾਣਿਆਂ 'ਤੇ ਰੇਡ ਕੀਤੀ ਗਈ। NIA ਦੀ ਟੀਮ ਨੇ ਦੁਰਾਹਾ ਦੇ ਪਿੰਡ ਰਾਜਗੜ੍ਹ ਵਿਖੇ ਗੈਂਗਸਟਰ ਰਵੀ ਰਾਜਗੜ੍ਹ ਦੇ ਘਰ ਰੇਡ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਰਵੀ ਰਾਜਗੜ੍ਹ ਲਾਰੈਂਸ ਬਿਸ਼ਨੋਈ ਦਾ ਸਾਥੀ ਹੈ। ਰਵੀ ਨੂੰ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਕੇਸ 'ਚ ਵੀ ਲੋੜੀਂਦਾ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਸਤੰਬਰ 'ਚ ਰਵੀ ਦੇ ਘਰ ਰੇਡ ਹੋਈ ਸੀ। रवि के खिलाफ 10 मुकदमे दर्ज ने। 2011 च कतल केस च रवि नू उम्र कैद की सजा सुनाई गई सी। लॉरेंस बिश्नोई, गोल्डी बराड़ सने कई नामी गैंगस्टरां ते पिछले दिन ही दिल्ली पुलिस स्पेशल सैल ने युआपा के तहत FIR दर्ज की सी। लॉरेंस ते गोल्डी बराड़ के अलावा कुछ होर गैंगस्टरां दे पाकिस्तान च अतवादियां च संपर्क के चलते पहलां भी NIA काफ़ी थावां ते रेड कर चुकी है। सितंबर ते अक्तूबर महीने च NIA ने पंजाब, हरियाणा, दिल्ली च कई थावां ते छापेमारी की सी। NIA गैंगस्टरां दे गठजोड़ दा रिकॉर्ड खंगाल रही है। अतवादियां दे नाल लिंक दी जांच की जा रही है।
5 लाख के इनामी दहशतगर्द कुलविंदरजीत सिंह उर्फ खानपुरिया 4 दिन का पुलिस रिमांड खत्म होने तो बाद मोहाली अदालत च पेश किया गया जिथे कोर्ट ने खानपुरिया का 3 दिन का रिमांड दिता। कुलविंदरजीत सिंह खानपुरिया की एक होर नवे केस च गिरफ्तारी पाई गई। राजस्थान से हैंड ग्रेनेड मिले सी, उस मामले च कुलविंदर खानपुरिया का लिंक जुड़िया ते उसी केस च अदालत दे वल्लों खानपुरिया 2 दिसंबर तक पुलिस रिमांड ते भेजन दे हुक्म सुनाए गए ने। उधर दीपक टीनू नूं वी मोहाली कोर्ट च पेश किया गया जिथे कोर्ट ने दीपक टीनू न्यायिक हिरासत च भेज दिता। दीपक टीनू मूसेवाला कतलकांड दा मुलजम है। अमृतसर पुलिस मुलाजम की गड्डी हेठ आईडी लगाने के मामले च मुलजम युवराज सबरवाल नूं लुधियाना सीआईए स्टाफ ने प्रोडक्शन वारंट ते लुधियाना लिया ते अदालत च पेश करके 14 दिन का रिमांड मंगया, पर अदालत ने 1 दिसंबर तक का रिमांड दिता है। युवराज सबरवाल के पाकिस्तान के नाल लिंक होने का खदशा जताया जा रहा है। इसलिए लुधियाना सीआईए स्टाफ ने युवराज नूं प्रोडक्शन वारंट ते लुधियाना लिया ते उस तों पुछगिछ की जाएगी। युवराज से पहला ही 11 मामले दर्ज ने। लुधियाना पुलिस पुराने मामलों की भी जांच करेगी। सीआईए इंचार्ज बेअंत जुनेजा ने इस पूरी खबर की पुष्टि की है। फिलहाल वेले एक होर ब्रेक दा, बने रहो एबीपी साझा दे नाल।